कमेटी को यहाँ स्मृति चिन्ह देते हुए पूरी रमला कमेटी। मैं नीरज त्रिवेदी जी से निवेदन करूंगा, हमारी कमेटी के मंत्री बहन पूनम चौहान जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है और इस समय देखिए सांसद मनोज तिवारी जो उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद है बीजेपी से, जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, मैं अपनी कमेटी के अध्यक्ष रमाकांत जी से निवेदन करूंगा कि कृपया स्मृति चिन्ह देकर के गुलाब सिंह राठौर जी का इस मंचन के लिए मैं शाबाशी देते हुए अच्छे मंचन के लिए उनकी तारीफ करते हुए गुलाब सिंह जी उनका भी स्वागत। मैं निवेदन करता हूँ मनोज भैया से कि जो भी आपके यहाँ वीआईपी आए वही उसको ऐसे माला पहना दो, लोग ताली बजा दिए, हो गया, लीला को मत रोका करो। ये मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ क्योंकि हम बहुत जगह हम भी लीला में भाग लेते हैं, एकदम देखने वाले को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं जल्दी से आप सब लोगों को बड़ी धन्यवाद, नवरात्रि की बहुत शुभकामना और प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, दोनों हाथ उठा के बोलिए सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की। अभी केवट का सीन आने वाला है, अभी देखो ऐसे तो राम जी दुनिया को पार करते हैं लेकिन आप दृश्य देखिएगा। आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, हम लोग इधर आ जाए, सब लोग इधर आ जाए। हमारी इस जिले की जिलाध्यक्ष हम लोग भगवान राम जी को, सीता मैया को और लखन लाल जी को एक तिलक कर दे, बस इतने में हमारे क्षेत्र के सांसद के रूप में हमारा एक पूजा हो जाएगा और आप लोग भी हम इसमें तिलक में शामिल हो जाएंगे। और केवट ने राम जी को पार कराया, मैं भी केवट का रोल कर रहा हूँ, एक जगह कर रहा हूँ और रामलीला को सपोर्ट करते रहिए। कल से और ज्यादा लोग आने चाहिए, अगल बगल सबको बुला लीजिएगा, सबको कहिएगा मनोज भैया कहाँ है, सबको चलना है। और आप याद रखिए इसी आने वाले 30 जनवरी को इसी जगह पे बागेश्वर वाले गुरु जी की कथा भी होने जा रही है, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। आपको जिनको बागेश्वर धाम हनुमान जी से मिलने का है कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मैं उन्हीं को यहाँ बुला रहा हूँ 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, और इसमें हमारी रघुनंदन रामलीला कमेटी भी शामिल रहेगी उसमें, राकेश जी आपकी पूरी टीम को। और अब मैं सीधे राम जी का तिलक करके हमारी छोटी बहन पूनम चौहान ये जिले की भाजपा की अध्यक्ष है उसके लिए भी स्वागत में आप लोग ताली बजा दीजिए। पूरे जिले की अध्यक्ष एक महिला है और उसके पीछे हम सब लोग चल रहे हैं, तो सब हमारे यूके चौधरी जी और हमारे गुलाब सिंह जी, नरेंद्र बेलवाल जी सबको, और सबसे बड़ी धन्यवाद रघुनंदन रामलीला कमेटी को। और अच्छे से हर साल करेंगे, आप तो हमसे कुछ कहते ही नहीं है लेकिन कुछ कहिएगा तो हम सबसे आगे खड़ा होंगे पूरा।
लक्ष्मी आओ भैया आओ आओ भैया सांसद जी क्या कहेंगे रघुनंदन रामलला कमेटी का कि यहाँ पे जंगल में मंगल कर दिया इन लोगों ने। देखिए राम जी जहाँ आ जाए वहाँ तो मंगल ही मंगल है, इसीलिए शायद भगवान ने महलों में न रह करके जंगल का रास्ता लिया उन्होंने, क्योंकि जंगल हमेशा से ही तपस्या का और साधना का केंद्र रहा है। इसलिए राम जी वनवासी हुए, हम सभी को रामलीला को समर्पित करना चाहिए। और ये रघुनंदन श्री रघुनंदन रामलीला बहुत ही सुंदर हो रही है और ये हमारे क्षेत्र का एक गौरव है। यहाँ पे अभी आपने अनाउंस किया कि बालकेश्वर धाम जी यहाँ पे कथा करेंगे जनवरी और फरवरी के बीच में। 30 जनवरी एक फरवरी हमारा जन्मदिन भी होता है, तो इस साल की 1 फरवरी का 4 दिन बागेश्वर धाम के स्थान से हनुमंत कथा से 4 दिन हमारा गुजार रहेगा। और आप सब से आपके लिए मैं कहूँगा लोग ने क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों के, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आपका। आज हमको सरकार जगह जाना है और देखिए राम सेवा में इतना समय लगा दे, राम की कथा को जितना लोग जाने उतना बड़ा आनंद। पूनम जी क्या कहेंगे रघुनंदन रामलला कमेटी के लिए? अच्छे तरीके से और पूरी जो गोंडा विधानसभा की जनता है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, रामलीला भी देख रहे हैं। रघुनंदन रामलीला कमेटी ने बहुत ही अच्छा अनूठा इस रामलीला मंचन का कार्य किया है और रामलीला कमेटी बनाना और चलाना आसान काम नहीं है, जबकि यमुना खादर का क्षेत्र है और ऐसे में उन्होंने बड़ा शानदार मेला भी लगाया है और जिस प्रकार का मंचन हो रहा है मुझे लगता है कि जितने भी हम लोग बैठे हैं खासकर नवयुवक और बच्चे इस तमाम पात्रों के जीवन से उनको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। इस काल कुछ राज राखी अहम भूमिका मैं श्री रघुनंदन रामलला कमेटी के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। इसी प्रकार का कार्य करते रहे, मैं हमेशा इनके साथ।